दो चीजें जो इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है क्या क्या है, सबसे पहले ए स्टूडेंट्स हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और बी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये दो चीजें स्टूडेंट्स जो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो ठीक है सर, बात तो समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है तो वो तो गिवन है, अब निकालना है। पहले स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो जो ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब हो गया दैट दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय द इनकम मेथड, क्योंकि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इनकम मेथड का पार्ट है, तो आप इनकम मेथड से ही उसे निकाल सकते हो, ये भी समझ में आ जाता है। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम तो भाई किसी भी मेथड से आ सकता है, वैल्यू एडेड मेथड से भी आ सकता है, इनकम मेथड से भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी आ सकता है, राइट, वो तो किसी भी मेथड से आ सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन बात ये आती है सर कि भाई निकालूंगा तो उस मेथड से जिसके कॉम्पोनेंट ज्यादा गिवन है। अब स्टूडेंट्स अगर इनकम मेथड से मैं डोमेस्टिक इनकम निकालू, उसके लिए पहले मुझे खुद क्या पता होना चाहिए था, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मुझे तो यही नहीं पता। अब जब मुझे यही नहीं पता तो मैं कैसे इस मेथड को अप्लाई करके डोमेस्टिक इनकम निकालूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास कंपोनेंट दे रखे हैं, अब आप देखो, तो मतलब इनकम मेथड तो अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इसमें जो डोमेस्टिक इनकम निकलेगी वो किस पे निकलेगी, किससे निकलेगी, बाय। और हां स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप एक मेथड अप्लाई कर रहे हो आपको पता होना चाहिए उसके कॉम्पोनेंट ज्यादा किसके गिवन है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक्सपेंडिचर मेथड के ऑलमोस्ट सारे कॉम्पोनेंट गिवन है, तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड वुड बी द एप्रोप्रिएट मेथड टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू आर सपोज टू फाइंड आउट दैट वॉट यू हैव टू डू विद द क्वेश्चन, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन कभी लिखा नहीं होगा कि तुम्हें क्या, मतलब लाइक देयर आर चांसेस जिसमें आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट बाय विच अप्रोच और बाय विच मेथड यू आर सपोज टू फाइंड आउट योर एनी एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। बट मेनी टाइम्स क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली, ओके, वेयर द क्वेश्चन इज क्लियरली एम्बिगस, लाइक यू डोंट नो by which method you are supposed to find out the answer or solution of the question. So in that way, in those type of questions, what you are supposed to do is you are supposed to read out all the components which is given to you in the question, okay. While reading your components, what you have to do is you have to evaluate, like by which method I can go into much depth. Like for example, income method ke questions, income method ke components bhi given hai, lekin income method ke components ko apply karne ke liye what is the problem कि सारे components given नहीं है, ठीक है, लेकिन expenditure के ज्यादा given है, तो मतलब expenditure मुझे ज्यादा depth में ज्यादा appropriate level तक लेके जा पाएगा। तो मतलब students मुझे जब answer करना है तो मैं क्या apply करूंगा, मतलब मैं apply करूंगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे what we will do, we will apply by expenditure मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं अगेन कह रहा हूं भाई ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, यू आर सपोज टू फाइंड आउट ऑन योर ओन, आपको कंपोनेंट्स को पढ़ के पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और सर एक्सपेंडिचर मेथड मुझे क्या देता है, एक्सपेंडिचर मेथड मुझे देता है जी डी पी एम पी, एक्सपेंडिचर मेथड क्या देता है मुझे, जी डी पी एट एम पी देता है, और सर जीडीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, पी एफ सी ई, राइट, जी एफ सी ई, राइट, और जी डी सी एफ और नेट एक्सपोर्ट, याद आ गया सर, ये चार कंपोनेंट्स हैं जो जीडीपी एट एमपी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जीडीपी एट एमपी ही निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। So, एक काम करते हैं, पहले कंपोनेंट्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर सिक्स्थ कंपोनेंट जो है मेरा, सिक्स्थ कंपोनेंट जो है मेरा वो क्या है, वो मेरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो इसी को पुट कर देता हूं 400, है ना, तो पहले इसी को पुट किया हमने 400, ओके सर। फिर सर मुझे करना है जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल, अरे वाह, 11 कंपोनेंट स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, जीएफसी, तो कितना हो जाएगा 100, चलो जी ये भी हो गया, प्लस
स्टूडेंट्स क्या करना है, प्लस करना है मुझे, एक मिनट सर, अब प्लस करना था जीडीसीएफ, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक, अरे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन मुझे तो रिक्वायरमेंट किसकी है, मुझे तो रिक्वायरमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की है। काम कैसे बनेगा, हाँ बन जाएगा ना, मेरे को पता है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में व्हेन वी एड डेप्रिसिएशन टू नेट इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि लाइक एनडीसीएफ का वैल्यू कितना गिवन है स्टूडेंट्स, एनडीसीएफ का वैल्यू मुझे गिवन है 50, तो मैंने कहा जस्ट 50 कर देता हूं, ठीक है, प्लस में मुझे क्या कहा है साथ में, मुझे साथ में ये कहा है कि भाई मुझे ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस के लिए नेट को ग्रॉस में जाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन, क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, 10 गिवन है, तो भाई 10 गिवन है तो लिख दो, चलो जी सर ये भी हो गया, प्लस में मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस में मुझे चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, प्लस मुझे क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट चाहिए, सर नेट एक्सपोर्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, अरे वाह नेट एक्सपोर्ट देखो स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे जो कंपोनेंट गिवन है वो क्या है, वो नेट एक्सपोर्ट ही गिवन है, तो यहां भी बात बन गई, तो नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से 10, चलो जी ये भी 10 गिवन है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया भाई, अब स्टूडेंट्स वैल्यू लिख देते हैं इसकी, 400 प्लस 100 दैट इज 500, 500 प्लस में 50 550, 550 प्लस में 10 560, 560 प्लस में 10 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 570, 400, 500, 550, 550 और 10 हमारे पास कितना जाएगा, 550 और 10 560, 560 प्लस 10 570, तो सर कितना आ गया, सर ये तो आ गया हमारे पास 570, चलो सर ये क्या है मेरे पास, सर ये तो मेरे पास आ गया डोमेस्टिक जीडीपी एटएमपी, लेकिन जाना कहाँ है डोमेस्टिक पे, तो अब ये जर्नी तो अभी बाकी है, चलो डोमेस्टिक का मतलब क्या स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक का मतलब एन डी पी एफ सी, स्टूडेंट्स कहां पे हम, जी डी पी एमपी, स्टूडेंट्स कहां पे हम, जीडीपी एटएमपी, जाना एनडीपी एफसी पे है, चलो भाई माइनस करेंगे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या क्या करेंगे, माइनस कंजम्पशन, तो माइनस कर दो 10, डेप्रिसिएशन सीधा वैल्यू लिख रहा हूं सीधा मैं, ठीक है ओके, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, चलो सर ये तो चल बात बन जाएगी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है सर एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस में सब्सिडीज, क्या सर आईटी और सब्सिडीज अलग दे रखे हैं क्वेश्चन में, नहीं सर बहुत बढ़िया हुआ, क्वेश्चन में एनआईटी डायरेक्टली गिवन है कितना 50, तो सर ये भी बात बनी जाएगी फिर तो, ठीक है बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, अब एक बात देख लें स्टूडेंट्स मेरे, कितना आ गया है हमारे पास, चेक करो GDP MP कितना है 570, 570 माइनस में 60 स्टूडेंट्स, 570 माइनस में 60, तो जब आप 570 में से माइनस कर दोगे 60 तो कितना बच जाएगा बच्चों, स्टूडेंट्स बच जाएगा 510, सो दैट इज द आइडिया, तो यहां से स्टूडेंट्स मेरे को NDP एंड FC मिल गया, मतलब डोमेस्टिक इनकम मिल गया, चलो एक पार्ट तो मैंने अपने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया, बात करनी है दूसरे पार्ट की, बात करनी है किसकी, बात करनी है दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट था कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब स्टूडेंट्स ये तो समझ में आता है कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसका पार्ट है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पार्ट होता है मेरे पास किसका, इनकम मेथड का, तो इसका मतलब है कि भाई इनकम मेथड अप्लाई होगा, इनकम मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझे एनडीपी एंड एफसी चाहिए था, बिल्कुल भाई क्वेश्चन में वही तो निकालने को बोला, तो चलो जरा एक बार इनकम मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना, ओके ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है सर, अब हमें बी पार्ट निकालना है, और बी पार्ट निकालना क्या है सर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओके सर ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टूडेंट फॉर्मूला
इनकम मेथड लगाएंगे। इनकम मेथड से क्या आता है, एनडीपीएट एफसी आता है सर, जो किसके बराबर होता है, जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम के बराबर होता है सर। सर एनडीपीएट एफसी तो क्वेश्चन में पता है, पुट कर देते हैं 510। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो सर निकालना ही है, तो इसे तो ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। प्लस में क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस, तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस जरा देखो क्वेश्चन में दिखता है क्या, NFIA, net export, NIT, rented royalty, consumption fixed capital, PFCE, corporate tax, interest, NDCF, dividends, GFCE, undistributed profit, mixed income, sir नहीं given, sir नहीं given, mixed income given है, चलो सर ये तो पूरी कर लेते हैं, mixed income कितना 23, चलो ये पे चल गया, operating surplus direct तो नहीं given, तो क्या operating surplus से component given है, वो check करते हैं, rent and royalty, हाँ sir, ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट गिवन है, पहला कंपोनेंट क्या गिवन है सर, रेंट एंड रॉयल्टी, चलो जी रेंट एंड रॉयल्टी कितनी है 20 प्लस कर दिया, रेंट एंड रॉयल्टी के बाद हम क्या प्लस करते हैं, इंटरेस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट दे रखा है जी, इंटरेस्ट दे रखा है सर 30, तो इंटरेस्ट भी प्लस कर देते हैं, तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट आ गया। अब बचता है प्रॉफिट, प्रॉफिट सर डायरेक्टली तो नहीं गिवन, लेकिन सर प्रॉफिट के भी कंपोनेंट गिवन है, देखो कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का एक पार्ट जाता है किसमें स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का एक पार्ट सबसे पहले जाता है किसमें, टैक्स में, जो पार्ट बच जाता है उसमें से कुछ पार्ट में क्या डिक्लेयर करता हूं, डिविडेंड, जो उसके बाद भी बच जाता है वो मैं रिटेन करता हूं फ्यूचर अपने यूसेज के लिए, तो इसका मतलब है प्रॉफिट के तीन पार्ट थे सर, क्या तीनों गिवन है, बिल्कुल तीनों ही गिवन है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी गिवन है कितना 10, तो कॉर्पोरेट टैक्स 10, इसके बाद मेरे को क्या गिवन होना चाहिए था, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स भी गिवन है 22, भैया जिस सीक्वेंस में बताते हैं उसी सीक्वेंस में है 22, वो भी गिवन है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 5, वो भी मेरे पास गिवन है, बचा क्या स्टूडेंट्स, बचा मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम कितना है 23, तो सर ये 23 गिवन है, कर लेते हैं ठीक है सर। अब सर कैलकुलेट करना रह गया, सबको इधर ले आते हैं 510 में से माइनस कर देते हैं सबको, बात बन जाएगी क्या, अगर स्टूडेंट अगर हमें कॉम्पनसेशन निकालना है तो सबको यही जाना पड़ेगा, तो लेके आते हैं स्टूडेंट, देखो 510 माइनस में 20 माइनस में 30 माइनस में अगेन 10 माइनस में 22 माइनस में 5 माइनस में 23, तो सर कितना आ गया, सर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया 400, ठीक है फाइनल आंसर कितना आ गया सर 400, मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है मेरे स्टूडेंट्स 400, दैट इज द आइडिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें हमको पर्टिकुलर कंपोनेंट ही निकालना होगा, अभी तक क्या होता था, अभी तक हमें कंपोनेंट्स के बेसिस पे मेन एग्रीगेट को फाइंड आउट करना होता था, अब क्या पता हमें एग्रीगेट पहले फाइंड आउट करना होगा किसी और मेथड से, फिर उस एग्रीगेट के बेसिस पे जिस मेथड के थ्रू वो चीज पर्टिकुलर उसका कंपोनेंट है वो आ सकता है उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आगे और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब इस ओवरऑल कंपोनेंट जो हमें गिवन है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना इनकम मेथड है, क्योंकि देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनो भाई, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करने के लिए जीडीपी ना मिल जाए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है सारी चीजें थोड़ी ना मिसिंग होंगी, एक चीज मिसिंग है भाई, चार कंपोनेंट है एक निकालना है तो तीन गिवन होने चाहिए, तो मतलब क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी तो मुझे चाहिए, बिना जीडीपी एट एमपी के भाई मैं क्लोजिंग स्टॉक तक नहीं पहुंच सकता, क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने के लिए मुझे जीडीपी एट एमपी पता होना चाहिए, और वो जीडीपी एट एमपी मुझे कैसे पता चलेगा, पहले मैं अपना इनकम मेथड निकालूंगा उससे एनडीपी आएगा और उस एनडीपी से फिर जीडीपी आएगा, फिर उस जीडीपी को कन्वर्ट कर लूंगा क्लोजिंग स्टॉक में, बहुत बड़ा लगता है नहीं, छोटा सा ही पार्ट है ठीक है। तो पहले तो देखो स्टूडेंट्स जैसे हमेशा समझाया गया आपको कि भाई जब आप क्या कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो किसकी, किसी भी मेथड की, तो पहले तो उसका जो एग्रीगेट है वही निकलेगा, तो हमने कहा कि कौन सा मेथड लगा रहे हैं सर, हम लगा रहे हैं बाय इनकम मेथड, तो भाई जब मैं इनकम मेथड लगाऊंगा तो इनकम मेथड लगा के मुझे क्या मिल जाएगा सर, इनकम मेथड लगाते ही हमें क्या मिलता है, एन डी पी एफ सी, ठीक है स्टूडेंट्स क्या मिलता है,
लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक है लेकिन दोनों हाथ से लिख सकता हूं मैं, दोनों हाथ से सारे काम कर सकता हूं ऑलमोस्ट, बट ये थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था इस वजह से थोड़ा वीक हो गया, वरना काम दोनों इक्वली करते हैं मेरे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। चलो ये तो हो गया। अब सर वैल्यूज पुट कर लेते हैं जरा, कॉम्पनसेशन की क्या वैल्यू गिवन है? कॉम्पनसेशन अरे गिवन है सर, टेंथ वैल्यू कॉम्पनसेशन ही तो है, कितनी है? 200 है सर, तो सर 200 पुट कर लेते हैं। ठीक है सर, सर उसके बाद क्या चाहिए हमें? सर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। अरे फिर से ऑपरेटिंग सरप्लस इस क्वेश्चन में गायब है। क्या करेंगे सर? कंपोनेंट देखते हैं। रेंट, रेंट गिवन है सर कितना? 120। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, क्या रॉयल्टी गिवन है? सर नहीं गिवन। किसी और नाम से गिवन है? सर नहीं गिवन। सर इंटरेस्ट, हाँ जी सर इंटरेस्ट गिवन है, कितना इंटरेस्ट गिवन है मुझे? 150। चलो सर ये भी हो गया। ठीक है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट गिवन है स्टूडेंट्स, अरे वाह प्रॉफिट भी गिवन है कितना? 250। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट मुझे मिल गया 250। चलो जी ठीक है, 250 ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है सर, इसके बाद क्या चाहिए होता है? रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया, रेंट मिल गया और कुछ गिवन नहीं है। मिक्स इनकम चाहिए, गिवन है मिक्स इनकम। फिफ्थ कंपोनेंट स्टूडेंट देखो कितना है? 20 मिक्स इनकम। तो 20 पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरा काम बन जाएगा। हमने पुट कर दिया 20। ठीक है, तो सर यही कॉम्पोनेंट गिवन है, बेस्ड ऑन द गिवन कॉम्पोनेंट हम यही करेंगे। चलो तो सर कैलकुलेट करते हैं, 200, 150 और 250, 400, 400 और 200 कितना हो गया? 600, 600 और 140, 600 और 140 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 740। चलो जी ये तो आ गया इनकम मेथड से NDPHFC। बच्चों अब NDPHFC को स्टूडेंट्स किसमें कन्वर्ट करना है? NDPHFC को पहले तो GDPHMP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, जाना कहाँ है सर? जाना है GDPMP पे। सर है कहाँ पे? है हम NDPHFC पे। सो सर लेट्स से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस करते हैं। क्या क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है? बिल्कुल गिवन है सर 30। तो NDPHFC में प्लस कर लेंगे कितना स्टूडेंट्स मेरे बच्चों? 30 कर लेंगे प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना करेंगे प्लस? 30। नेट से ग्रॉस में पहुंच गए, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक रहने दो, मजे आ गए। एफसी से एमपी, भाई एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एफसी से एमपी पे कैसे जाते हो? फैक्टर कॉट से मार्केट प्रेशर एनआईटी प्लस करते हैं। चलो एनआईटी चेक करते हैं सर, एनआईटी डायरेक्ट नहीं गिवन, आईटी गिवन है 60, सब्सिडीज गिवन है 10। तो मतलब एनआईटी क्या आ जाएगा? 60 माइनस में 10। एनआईटी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एनआईटी निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस में सब्सिडीज, आईटी माइनस में सब्सिडीज। आईटी मेरे पास कितना गिवन है? आईटी मेरे पास गिवन है 60 और सब्सिडीज कितना गिवन है? गिवन है 10। तो 60 माइनस में 10 कितना आ गया? 50। तो सर यहां पे आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, देखा सीधे यहां से भी खड़ा हो जाता कई बार। तो इंडिपेंडेंट से कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 740। ओ, अब जो हमने पहली वैल्यू पुट कर चुके हैं तो सीधा प्लस ही कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, निकालेगा वैल्यू 740। तो यही गिवन है 740 प्लस में 30। सर 740 प्लस में 30 हो जाएगा 770, 770 प्लस में 50, 770 प्लस में 50। स्टूडेंट्स मेरी कैलकुलेशन ये कि आप बताओ 740 प्लस में 30 कितना? 770, 770 प्लस में 50 सर कितना हो गया? 820। आपसे फास्ट तो मैं हूं, मैंने कर लिया। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 820। चलो जी बात बन गई, है ना? ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। आ जाते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक पे। तो सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जीडीपी का फॉर्मूला लगाना है और अपना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला लगाना है और अपना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। अब हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब हम लगा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का ही कॉम्पोनेंट है ना बाय बाय एक्सपेंडिचर मेथड। और निकाल क्या रहे हैं स्टूडेंट्स? हम निकाल रहे हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो
अप्लाई करना शुरू करते हैं। सर जीडीपी एट एमपी जो है एक्सपेंडिचर मेथड में वो किसके बराबर है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस मिक्स इनकम, सर इसके बराबर होता है। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है सर? 450 है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर 50 है। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पता है जिसकी वैल्यू मुझे 300 दे रखी है, और इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ही मैं चेंज इन स्टॉक ऐड करता हूं। उस चेंज इन स्टॉक को ऐड करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो स्टूडेंट्स यहां अपने ध्यान से देखना है, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आएगा प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, मुझे तो ग्रॉस फिक्स दे रखा है, तो उस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करूंगा? उस ग्रॉस फिक्स में ऐड करूंगा चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है सर? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो भाई क्लोजिंग तो मुझे निकालना ही है, तो क्लोजिंग छोड़ देता हूं और माइनस ओपनिंग की वैल्यू है ओपनिंग की लिख दूंगा। ओपनिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है सर, तो 10 मैंने लिख दिया। और प्लस में सर क्या होता है लास्ट में? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या नेट एक्सपोर्ट गिवन है सर? हाँ गिवन है नेट एक्सपोर्ट। कितना गिवन है? -10। तो नेट एक्सपोर्ट देते हैं कितना? -10। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको मेथड पढ़ाते वक्त समझाया था कि देयर विल बी चांसेस कि कुछ कंपोनेंट्स जो है आपको ढूंढने पड़ जाएंगे क्योंकि अनदर नेम से गिवन होंगे। ठीक है, और देयर आर चांसेस के कुछ कंपोनेंट्स आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखेंगे जिनका कोई काम नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कोई कंपोनेंट जिसका मुझे काम नहीं है तो वो एक है NFIA, क्योंकि वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मुझे NFIA का कोई भी काम नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन में मुझे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। तो स्टूडेंट्स ऐसी चीजों से बचें। जब आपको इस तरह के कंपोनेंट्स गिवन है जिसका कोई काम नहीं है तो जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ नहीं करनी होती स्टूडेंट्स। अगर नहीं काम उसका तो नहीं काम, अगर उसका काम नहीं है तो उसका काम नहीं है। जबरदस्ती मत सोचना कि भाई इसका काम है तो इसको भी करना है, नहीं 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 नहीं, नहीं काम तो उसका काम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट बस इसे सॉल्व करना है। जीडीपी कितना आ गया था? ये तो सर मेरे पास 820 आ गया था। ठीक है, अब स्टूडेंट करना क्या है? जो भी सारी चीजें सबको इधर ले आओ, क्लोजिंग स्टॉक को उधर छोड़ के बाकी सारी चीजों को इधर ले आओ। ठीक है, और जो प्लस होना है वो प्लस करो, जो माइनस होना है वो माइनस करो, और अपना जो फाइनल आंसर है उसे सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं तो देखो 820 माइनस में 450 माइनस में 50 माइनस में 300, वो माइनस का 10 है तो प्लस का 10, ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10। जब स्टूडेंट्स हम फाइनल आंसर सॉल्व करेंगे सारी चीजों को माइनस और प्लस करने के बाद, तो हमारे पास जो नेट आंसर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी लास्ट आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से हमारा जो हमने मेथड अप्लाई किया है, जो मेथड हमने अप्लाई किया है उस मेथड के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा? अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है इस मेथड के थ्रू हमें मिल जाएगा। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट। सो मतलब स्टूडेंट्स आप समझो मेरी बात को, मैंने आपको यही चीज क्लियर की थी कि जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से हर एक मेथड आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक मेथड लिखा हुआ है तो किसी एक पे स्पेसिफिक होकर के सिर्फ उस मेथड की बात करें, नहीं, आपका दिमाग पूरी तरीके से चारों डायरेक्शन में घूमना चाहिए, जिसमें आपको इस बात को क्लियर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि भाई ऑन द स्पॉट कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही मेथड है तो यही अप्लाई होगा, नहीं। आपको अपने क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक की बात भाषा में बोलूंगा, किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। तो जिस भी हद तक जाना पड़ जाएगा अपने क्वेश्चन को करने के लिए तो भाई साहब जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे 4 से 6 मार्क्स देगा तो भाई 4 से 6 मार्क्स के लिए तो कुछ भी करूंगा, 90% का टारगेट पूरा कैसे होगा? अगर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 94 तो ऐसे ही होगा इकोनॉमिक्स में, है ना? तो
इसकी एफिट टीचर से सेटिंग नहीं हुई, बीच में से प्रैक्टिकल में से वो मार्क्स काट लेगी, तो ये भी तो देखना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल इनकम में हमारे पास हो, चाहे हमारे पास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो न्यूमेरिकल्स अभी फॉर द मीन टाइम, मीन वाइल देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकली इतने रेलेवेंट नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता इन सब चीजों को कैलकुलेट करना। हाँ, लेकिन आई मेक यू श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो ना, कभी NSSO की रिपोर्ट निकाल के देखना स्टूडेंट्स। NSSO जो मैंने पहली क्लास में बताया था सर क्या है, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हमारे कंट्री में, हमारे देश में, भारत देश के अंदर जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है नेशनल इनकम की, वो कौन करता है? NSSO करता है। और NSSO स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लगेगा आपको जान के बाद, NSSO भी यही मेथड को अप्लाई करता है। NSSO के पास भी सिर्फ क्या है, यही तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? और कोई अलग से मेथड NSSO लेके नहीं आता, ठीक है? इन्हीं तीनों मेथड्स को अप्लाई करके वो क्या करता है, मेथड से क्वेश्चन निकालता है। लेकिन बस एक बात डिफरेंस ये आता है कि जो NSSO है वो करता क्या है, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड को एक साथ सॉल्व करता है, ठीक है? एक्सपेंडिचर मेथड अलग से दिखाएगा, लेकिन आपका जब भी रिपोर्ट आप उसकी चेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड सॉरी, दोनों साथ में होंगे। और स्टूडेंट्स सारे यही कंपोनेंट्स होते हैं, अगेन क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस तो आएंगे, तो बस वो थोड़ी बहुत जो चेंजेस आते हैं उसके कंपोनेंट्स ऐड अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहां पे वो स्पेसिफिक कर देते हैं कि भाई जो प्राइवेट फाइलर जैसे रेंट है तो मतलब आउटपुट सेक्टर से कितना, मतलब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से कितना रेंट आया, बैंकिंग से क्या रेंट हुआ, तो मतलब उस तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं पूरी इंडस्ट्री को, पूरे कंट्री को 8 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। सो हर 8 सेक्टर के हिसाब से हर 8 सेक्टर का वो क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन निकालते हैं और फिर सारे वैल्यू एडिशन को प्लस करते हैं। तो सेम वही तरीका है, चेंजेस कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट? तो चलो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं स्टूडेंट मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा इससे पहले आप कॉपी कर लें।